हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जिस बाइक के रिव्यू के बारे में है उसका नाम है जी होंडा CD125। दरअसल ये 2022 मॉडल है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। दरअसल ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बाइक की इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाइक का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बाइक की चारों साइड की लुक दिखा देता हूं कि बाइक चारों साइड से दिखने में कैसी लगती है। ये है जी बाइक की फ्रंट साइड से लुक। फ्रंट साइड से दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये है जी इसकी राइट साइड की लुक, और ये है जी बाइक की लेफ्ट साइड की लुक, और ये है जी बाइक की बैक साइड से लुक। बैक साइड से भी बहुत ज़्यादा कमाल की लगती है। और ये है जी बाइक की साइड प्रोफाइल। अब बात करते हैं जी बाइक की फ्रंट साइड के बारे में, कि फ्रंट साइड पर हमें किस किस चीज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट साइड के ऊपर हमें पुराने मॉडल की तरह ही हमें लाइट हमें देखने को मिल जाती है, जिसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और इसके साथ ही साथ हमें दो इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जिनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इनके साथ जो रबड़ का इस्तेमाल किया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसके साथ नीचे हम देखें तो हमें हॉर्न देखने को मिल जाता है, हॉर्न भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और उसके नीचे हमें होंडा का वो पुराने मॉडलों की तरह ही हमें लोगो देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही साथ नीचे शॉक हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नरम है, जिनके ऊपर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। और इसके नीचे मरगार्ड आ जाता है, मरगार्ड की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मीटर के प्लास्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, मीटर का प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अब बात करते हैं जी बाइक की राइट साइड के बारे में, कि राइट साइड पर हमें किस किस चीज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो राइट साइड पर हमें इसकी किक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये है वर्जन किक स्टार्ट। और उसके साथ साथ हमें फुट रेस्ट के लिए हमें पतली देखने को मिल जाती है। और उसके साथ ही साथ हमें बैक ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैक ब्रेक इसकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और अगर हम पीछे चले जाएं तो पीछे की तरफ हमें साइलेंसर के ऊपर हमें पतली देखने को मिल जाती है, और उसके ऊपर हमें फुट रेस्ट का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है। तो इसके बैक शॉक की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी वीडियो के बताया कि इसके शॉक पर होंडा ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है, इसके शॉक बहुत ही ज़्यादा नरम है। अब बात करते हैं जी बाइक की लेफ़्ट साइड के बारे में, कि लेफ़्ट साइड पर हमें किस किस चीज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सीट की हाइट के बारे में। इसकी सीट की हाइट है 764 mm, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 132 mm। और इसके अंदर जो इसकी पेट्रोल की कैपेसिटी है वो है 9.2 लीटर, और इसकी जो ज़रब लगती है वो 2 लीटर पर लगती है। और इसकी व्हील की बेस के बारे में बात कर लेते हैं, 1204 mm। और इसका जो टायर है फ्रंट वाला, उसका 2.50-80, और ये है 4 PR के अंदर। और जो टायर है बैक टायर के बारे में बात कर लेते हैं, तो 3.00-17.6 PR। तो आपको पता है बैक टायर थोड़ा सा फ्रंट टायर के मुकाबले में थोड़ा सा मोटा होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन इसका 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, और इसी के साथ साथ हमें लेफ़्ट साइड पर हमें इसके गियर देखने को मिल जाते हैं। इसके दरअसल 4 गियर हैं, जो 4 के 4 हमें आगे की तरफ लगते हैं और बैक साइड पे निकल जाते हैं। और इसी साइड पे हमें चैन कवर देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ ही साथ हमें फुट रेस्ट का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है। और शॉक की बात की थी तो शॉक इसके काफ़ी ज़्यादा नरम है। अब बात करते हैं जी बाइक की बैक साइड के बारे में। बैक साइड पर हमें इसकी बैक लाइट देखने को मिल जाती है, जिसका प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और साथ साथ हमें 2 इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर की जो रबट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसके लाइट के नीचे जो हमें नंबर प्लेट के लिए जो हमें पतरी मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात कर लेते हैं जी इस बाइक के माइलेज के बारे में, कि माइलेज हमें 1 लीटर पर कितनी देखने को मिल जाती है। तो 1 लीटर में इस बाइक की माइलेज 50 km/L हमें देखने को मिल जाती है। इस बाइक की बिल्ट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बाइक है।
अब बात करते हैं जी इस बाइक के कलर्स के बारे में कि हमें इस बाइक में कौन कौन से कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इसके रेड कलर के बारे में। इसके अंदर हमें दो कलर देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर से एक कलर हमेशा की तरह रेड है और दूसरा कलर इसके अंदर हमें ब्लैक देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है और रेड की तो अपनी ही ग्रेस है, बहुत ही ज़्यादा कमाल के दोनों ही कलर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जी इस बाइक की प्राइस के बारे में कि इस बाइक की हमें प्राइस क्या देखने को मिल जाती है होंडा की मार्केट में। तो इस बाइक की प्राइस है जी 174,500 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। तो इस उम्मीद है कि आपको आज की बाइक का रिव्यू पसंद आया होगा। आज हमने बाइक की प्राइस रिव्यू और इसकी कलर्स के बारे में बात की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी, अगर कहीं से कोई मिस्टेक हुई है तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।